आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सांसद और जिलाधिकारी कोटे से विद्यालय में आने वाले आदेश तक एडमिशन पर रोक लगा दी है। बता दें कि इससे पहले किसी भी केंद्रीय विद्यालय में सांसद और जिलाधिकारियों के लिए 10 सीटों का कोटा रहता था। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस कोटे के तहत दिए जाने वाले दाखिलों पर रोक लगा दी है। देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये व्यवस्था थी। पहले बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री के द्वारा भी सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश किया जाता था। पिछले वर्ष वो समाप्त हुआ और सभी सांसदों में इसको लेकर के ये विषय चल रहा था, क्योंकि हम देखते हैं जिस प्रकार से बहुत बड़ी लंबी सूची केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन चाहती है, लेकिन उन सबको एक सांसद दस कर सकता है। तो देखने में आता था कि ज़्यादातर लोग नाराज़ होते थे जिनका नहीं हुआ, 10 चुनने पड़ते थे। तो दोनों ही पहलू हैं, ये भी पहलू है कि भाई कम से कम जो नीडी हैं सांसद के माध्यम से उन 10 को अवसर मिल जाता था, उनके बच्चों की पढ़ाई का मिल जाता था। लेकिन ये भी दूसरा विचार है कि क्या हम केवल कुछ लोगों के लिए काम करें या सबके लिए काम करें। तो मुझे लगता है कि सबके लिए काम करना चाहिए और उसमें प्रयास करेंगे कि सेंट्रल और नए खुलें जिससे लोगों को बड़ी संख्या में एडमिशन मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विभाग बैठक की, जहां बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 52 मंत्रियों के विभागों को 7 सेक्टर में बांटा। वहीं दूसरी ओर सेक्टर औद्योगिक विकास विभाग का प्रेजेंटेशन भी आज रखा गया, जहाँ 19 अप्रैल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन रखा जाएगा। रुद्रप्रयाग के बधाणी ताल में बैसाखी के मौके पर आयोजित 2 दिवसीय मेले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत सी घोषणाएं की, जिस पर क्षेत्र की जनता ने उनका आभार भी जताया है। नहीं, ये स्थान हमारा बड़ा ही जो है एक ऐतिहासिक स्थान है, इसको आगे पर्यटक स्थल के रूप में इसको बनाया जाएगा। यहाँ पर पर्यटक आवास गृह भी बनाया जाएगा, साथ में जो एक हमारा मोटर मार्ग है यहाँ पर लगभग 29 किलोमीटर का मोटर मार्ग बरसीर बधाणी मोटर मार्ग को, इसको भी हॉट मिक्स से बनाया जाएगा। सर, वो भाववाला में सैनिक स्कूल, उसका इस सैनिक स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार ने 21 जो नए सैनिक स्कूल PPP मोड में शुरू करने की बात की है, इस सैनिक स्कूल से उसका कोई वास्ता नहीं है। अभी अभी मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिल करके आए हैं और राजनाथ सिंह जी ने उनको आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार भी इसमें मदद करेगी। दो मुख्यमंत्री जी द्वारा सिर्फ यहाँ पर एक घोषणा की गई कि मैं बरसीर बधाणी ताल हॉट मिक्स सड़क का निर्माण करूँगा। इसके बाद हमारे क्षेत्र में बहुत सारी मांगें थी, जो मैंने 34 मांग अपनी भी यहाँ रखी थी कि हमारे इस क्षेत्र में आज भी एकमात्र पॉलिटेक्निकल है, उस पॉलिटेक्निकल भी ट्रेड वहाँ पे नहीं है। फतेहपुर के बकेवर थाना अध्यक्ष को मुखबिर की सूचना मिली कि 3 शराब तस्कर मारुति वैन में सवार होकर शराब की तस्करी करने कहीं जा रहे हैं। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर मारुति वैन सवार 3 अंतरजनपदीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी की गई शराब और केमिकल भी बरामद किया है। एक उद्धमक लिया गया है जिसमें शराब से संबंधित, अवैध शराब से संबंधित जो अभियान चल रहा है उसके तहत फतेहपुर जनपद को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें 3 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 कानपुर के रहने वाले हैं, 1 फतेहपुर का रहने वाला है। ये कानपुर आउटर में महाराजगंज थाने में इन्होंने कुछ शराब भी चुराई थी। 35 पेटी वहाँ चुराई गई है, जिसमें से 20 पेटी यहाँ बरामद हुई है। 10 पेटी और भी अब मिश्रित शराब है इनके साथ, देसी शराब है और ढेर सारा बार कोड। जब इनको गिरफ्तार करके पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि हम शराब बनाते भी हैं और बेचते हैं। गोंडा में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 131वें जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने मेगा शो की तरह मनाया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में बाबा साहब की जयंती को सामाजिक न्याय और समरसता दिवस के तौर पर मनाया गया
और देश भर के कोने कोने में और हर जिला मुख्यालय पर इस कार्यक्रम को मनाया गया। गोंडा जिले के संपूर्णानंद टाउन हॉल में बाबा साहब की जयंती पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी जाति पाति या धर्म के भेद में विश्वास नहीं करती है। हम सबका साथ सबका विकास करने की भावना से हम काम करते हैं। माननीय मोदी जी माननीय योगी जी की जो सरकार है वो विशेष करके गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आप आज देख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए हमारे सभी माननीय विधायकगण सांसद जी हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। हम सामान्य आदमी की और जिसकी चिंता बाबा साहब करते थे उसकी चिंता करने वाले हम लोग। गदरपुर में रीढ़ चढ़क पूजा के उपलक्ष्य में सन्यासियों ने हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाए। बता दें कि शिव भक्तों के लिए कठिन तप भक्ति श्रद्धा और जुनून भरा होता है। चढ़क पूजा खासकर बंगाली समुदाय के लोग चैत्र माह के अंतिम दिन आयोजित अनुष्ठान लोक आकर्षण का केंद्र होता है। चैत्र के पूरे माह भगवा वस्त्र धारण व्रत को मानने वाले सन्यासी अंतिम दिन मछली मारने वाले कांटा पीठ में चुभाकर 30 फीट ऊंचाई झूला कर सन्यासियों को घुमाया जाता है। पहले मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं और कमेटी का उपाध्यक्ष कानू सरकार मैं हूं और वास्तव में आप लोग यहां पे आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का करता हूं। और आज का जो दिन है बाबा तारकनाथ धाम में एक चढ़क बाबा का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाता है जिसमें कलकत्ता से बाबा जी आते हैं और पीठ में लोहे का कांटे लगा के अभी आप लोगों के सामने कैसे घुमाया जाएगा चढ़क पूजा करते हैं इसको। तमाम लोग आते हैं यहाँ पे और बहुत दूर दूर से लोग इस खेल को देखने के लिए आते हैं। जय बाबा तारकनाथ जय बाबा तारकनाथ। लखनऊ में हिट एंड रन मामले में पुलिस ने आशीष यादव और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक वही इस घटना के बाद मृतक पीड़ित परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंगलौर कार्यालय में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया जिसमें सभी पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जांच की गई। कैंप में डॉक्टर लाल पैथोलॉजी और कपूर अस्पताल निशुल्क कैंप लगाया जिसमें कोरोना योद्धाओं के रूप में काम करने वाले पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य की जांच की गई। लैब पैथोलॉजी के क्षेत्रीय मैनेजर ने बताया कि पुलिसकर्मी दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। कोरोना काल में अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी सुरक्षा करते रहे इसलिए हम चिकित्सकों का भी फर्ज है कि वो अपने क्षेत्र के पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य जाँच करें। फ्री हेल्थ चेकअप लगाया है मंगलौर सीओ मंगलौर थाने में। आज जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो हमारी सेवा करते हैं दिन रात ये उनके लिए हमने कैंप लगाया है तो इसमें हमने उनके लिए कुछ जांचें फ्री की हैं जैसे शुगर कोलेस्ट्रॉल और हीमोग्लोबिन हमने फ्री जांचें की हैं। बाकी कुछ और टेस्ट भी जो है काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पर हमने किए हैं। मंगलौर में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल डीजल गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब गरीबों का अपना आशियाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। बता दें कि पिछले एक महीने में सीमेंट के दामों में भी भारी उछाल आया जहां दो दिनों में ही 35 रुपये प्रति सीमेंट में बढ़ोतरी हुई है और करीब 60 रुपये से लेकर 85 रुपये तक सीमेंट के प्रति बोरी में बढ़ोतरी हो गई। वहीं कांग्रेस नेता भी बढ़ती महंगाई से भाजपा सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि बीजेपी सरकार मनमानी तरीके से महंगाई को बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ती है। पीलीभीत में पेट्रोल पंप के सेल्समैन से लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित इंडिया पेट्रोल पंप के सेल्समैन संजीव कुमार ने पुलिस को अज्ञात चार बाइक सवार युवकों द्वारा बाइक में पेट्रोल डलवाने के बाद उससे करीब 12,000 रुपए की लूट कर भाग जाने की सूचना दी थी जिसके बाद पेट्रोल पंप सेल्समैन ने लूट की घटना पर एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की मदद से पीड़ित से पूछताछ की। पैसे मांगे तो पैसे लूट लिए मुझे। कितने रुपए लूटे? पैसे पता नहीं कितने होंगे मेरे हाथ में 12,000 रुपए थे। कितने लोग थे छीनने वाले? चार लोग थे। कौन सी गाड़ी थी भैया? अपाचे जहाँ तक पहचान करो दोनों गाड़ी हम देख ना पाएंगे। देखिए लूट की सूचना जिसने भी चलाया और फर्जी चलाया
मौका मारने के बाद ये पता चला 150 रुपये के पैसे के लेन देन के लेकर सेल्समैन के साथ मारपीट हुई है। सिर्फ इतना ही मामला है, मामला पूरा पुष्ट हो चुका है, सारे पैसे पेट्रोल पंप में ही मौजूद है, मैनेजर के द्वारा पुष्टि भी किया गया है। ये लूट की खबर बिल्कुल असत्य है और फर्जी है। पौड़ी में अचानक गानी रोड के जंगल में भीषण आग लग गई, जहां बताया गया कि किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी। वहीं देखते ही देखते आग ने आसपास के जंगल को अपनी आगोश में ले लिया, जिससे लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन वन अधिकारी समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। कुछ नुकसान हुआ हमें समथिंग 5:45 बजे के लगभग हमें सूचना मिली है कि वहां आग लग गई है, हमारे स्टाफ द्वारा पता चला हमें। एक्चुअली कितने घंटे में आग पर काबू पाया गया? 2-3 घंटे में लग गए होंगे सर। लगभग ये 4:30-4 बजे सूचना मिली थी कि बुघाणी रोड पर खौला गांव के नीचे आग लगने की सूचना है, लकड़ी के स्लीपरों पे और अन्य जो वहां पर कार्य चल रहे थे उन पर आग लगने की सूचना थी। इस पर तत्काल देखिए, आज मेरा देवलगढ़ मंदिर से श्रीनगर की ओर आना हुआ तो मैंने वहाँ पर देखा कि आग बहुत हद तक, आग ने बहुत लाखों करोड़ों का नुकसान वहाँ पर किया है। वहाँ चिरान की लकड़ियाँ जो स्लीपर वहाँ पर थे वो बुरी तरीके से जल चुके थे। जितना भी कोशिश की मैंने, कुछ लोग, कुछ लड़के यहाँ पर जो दौड़ मारने आते हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह किया गया, उन सभी युवा साथियों ने मिलकर मेरे साथ जितनी हद तक हो सके आग बुझाई। लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के निर्देश पर प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग की गई। कार्यकारिणी भंग करने की जानकारी शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने पत्र जारी कर सार्वजनिक की है। शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हुई। शिवपाल लखनऊ से इटावा के लिए रवाना हुए, जहाँ शिवपाल यादव इटावा पहुँच कर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। हापुड़ की तीर्थ नगरी के पुरी में दुकान में ग्राहक की खींचतान में दो महिला दुकानदार आपस में भिड़ गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि ब्रजघाट में वाहनों के लिए एक छोटी पार्किंग है, जहां में कई अस्थायी दुकानें बनी हुई हैं। पुरी की एक दुकान पर ग्राहक पूरी खाने के लिए पहुंचे, जिसके चलते आसपास की दो महिला दुकानदार ग्राहक के लिए आपस में भिड़ गई और एक दूसरे को पटकनी देना शुरू कर दिया। वहीं मारपिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फिरोजपुर में एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स ने लगभग 19 पेटी विदेशी शराब पकड़ी है। जानकारी के मुताबिक एक एक बोतल की कीमत 10,000 से 20,000 रुपए तक बताई जा रही है। वहीं एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने शराब इंदिरा कॉलोनी निवासी से बरामद कर और कार भी जब्त कर ली। हरदोई की संडिला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौकशी कर रहे 4 गौकशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 1 क्विंटल गौमांस के साथ छुरी तमंचा पिकअप भी बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए 4 गौकशों में से एक अंतर जनपदीय उन्नाव का शामिल है, जो लगातार इस तरह की घटनाओं में सक्रिय है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं सीओ हरियाणा परशुराम सिंह ने बताया कि संडिला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि संडिला कस्बे के बाबूखा मदरसा के ठीक सामने कल्लू पठान के घर पर गौकशी की जा रही है। जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध श्री एसपी महोदय के निर्देशन में लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में थाना संडीला क्षेत्र में 4 गौमांस तस्कर पकड़े गए हैं। कल्लू पठान के घर में से काफ़ी मात्रा में मांस, गौमांस बरामद हुआ है। उसके बाद काटने के औजार बरामद हुए हैं, एक तमंचा बरामद हुआ है और 2 पिकअप गाड़ी जिस वाहन से सप्लाई करते थे वो भी बरामद हुआ है। 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक कासिमपुर क्षेत्र का है, बाकी संडीला क्षेत्र के हैं। पकड़े गए हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, लगातार क्रम जारी है, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर की जा रही है। अलीगढ़ में चलती ऑटो में सवार महिला से दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया। बता दें कि 35 वर्षीय महिला दिल्ली की रहने वाली है। वो देर रात दिल्ली से अलीगढ़ ससुराल जाने के लिए आई थी, उसके बाद ऑटो में महिला के साथ ऑटो ड्राइवर दो सवारियों ने दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला का आरोप है कि 20,000 रुपये मोबाइल फोन भी लूट ले गए। इस मामले में पुलिस पड़ताल कर रही है। ऑटो चालक और 2 अन्य व्यक्तियों पे उनके खिलाफ
सूचना दी है कि उन्होंने उसके साथ गलत काम किया है, दुष्कर्म आदि के आरोप लगाए गए हैं। मौके पर अधिकारियों द्वारा और थाना प्रभारी की टीम द्वारा और जनपद की क्राइम टीम द्वारा मौका मुआयना करते हुए जो भी इसमें संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाकर सीसीटीवी फुटेज और अन्य कार्रवाइयां जारी हैं और रद्द कर ली गई है। महिला का मेडिकल करा दिया गया है। बरेली में चूल्हे से निकली चिंगारी ने दो घरों को जलाकर राख कर दिया। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गए। फिलहाल इस बीच दोनों पिता पुत्र के मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ये पता नहीं, हम तो घेहूं काटने गए थे या खाना बना था, क्या खाना बनने से लग गई थी या क्या पता, खाना तो बन गया था। अच्छा, आपका कोई जगह जमीन वगैरह है? आपकी जगह जमीन नहीं है। अच्छा, मजदूरी करते हैं आप? मजदूरी। क्या परिवार है अपने यहाँ इसमें? दो परिवार है। दो परिवार हैं, तो इसमें कुछ बचा, कुछ खाने पीने का? कुछ कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। राशन पानी था, सब जल गया। आग हो सकता है चूल्हे से लग गई हो, रोटी खाना भी बना था, हो सकता है, कोई बड़ी छोटी बात नहीं है सर। अच्छा, कोई कुछ बचा है इसमें? क्या बचा? कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं बचा, भी नहीं। खाने पीने का, सोने का कुछ? कोई चीज नहीं बची, सब कुछ सामान सारा ही जल गया। ऋषिकेश के योग नगरी रेलवे स्टेशन बनने के बाद ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे डीआरएम ने निरीक्षण के दौरान कई कमियां निकाली। उन्होंने स्टेशन के अधिकारियों को जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। थोड़ी साफ सफाई में कमी है, उसके लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। बाकी सेफ्टी रिलेटेड जो इनकी चीज़ें थी वो ठीक इनकी हैं और अपने इक्विपमेंट भी है थोड़े से अपना ठीक मेंटेन किए हुए हैं। और जो भी कुंभ के बाद जो कुछ अपने इनएक्टिव प्लेस रह गए हैं उनको मैंने उचित उसका उपयोग करने के लिए इनको दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे ट्रेन उतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में फिर से कभी कुंभ का हुआ तो ट्रेन यहाँ पे आगमन का हो सकता है, तो उससे संबंधित जो हमारे साथ महोदय हैं उनको उस संबंध में दिशा निर्देश। पीलीभीत में अपराधियों के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इमरान को गिरफ्तार कर लिया। वही एसडीएम के आदेश पर प्रशासन ने गैंगस्टर इमरान की सारी संपत्तियां भी कुर्क कर दी हैं। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं से नाबालिग किशोरी का शव मिला, जहां ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी के शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला जायस थाना क्षेत्र के उधारी गांव सभा का बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ के कुंडा में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां शराब माफिया संजय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह की कई करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। दरअसल कुछ दिन पहले गुड्डू सिंह के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारकर लगभग 12 से 13 करोड़ की अवैध नकली शराब बरामद की थी। देखिए, जनपद प्रतापगढ़ के कुख्यात शराब माफिया संजय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, इसके खिलाफ आज गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत धारा 14(1) के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई की गई है। इसकी 13 प्रॉपर्टीज़ को आज जब्त किया गया है, जिनका टोटल वैल्यू 7 करोड़ रुपए है। आपको विदित है कि मार्च और अप्रैल महीने में शराब की बड़ी रिकवरी हुई थी, जिसमें करीब 13 से 14 करोड़ रुपए की अवैध शराब जो एक अवैध फैक्ट्री लगाकर इनके द्वारा संचालित थी वो पकड़ी गई थी। उसी के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई प्रचलित थी, जिसमें साक्ष्य संकलन के बाद ये तथ्य एस्टेब्लिश हुए हैं कि इनके द्वारा जो ये 13 प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपराध कारित करके संपत्ति अर्जित की गई और उसी से ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं। और संत कबीर नगर के सूर्य इंटरनेशनल एकेडमी में गुडलक फेयरवेल सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को विदाई देते हुए सूर्य इंटरनेशनल परिवार ने उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं इस मौके पर बच्चों ने मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर ओपी पांडे मौजूद भी रहीं। इस कार्यक्रम में आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी बच्चों को उपहार देकर सफल होने की कामना की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद भी प्रतापगढ़ में हर्ष फायरिंग बंद होने का नाम नहीं ले रही है। मामला हथीगवां थाना के बेती गांव में तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग में कैमरामैन को गोली लग गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाजुक हालत होने पर कैमरामैन को प्रयागराज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। औरैया में बीजेपी के स्थापना दिवस पर औरैया के विधुना नगर में अपर्णा यादव पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर की पूजा अर्चना की, उसके बाद कार्यक्रम में शामिल हुई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।